केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में बहुत प्राचीन सिक्कों को संभाल कर रखा गया है, जो कि लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ मुगल काल से लेकर गुप्त काल के प्राचीन सिक्कों को भी संभाल कर रखा गया है। मुगल काल में शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और अन्य सभी के काल की अलग अलग मुद्राओं को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ सजाकर रखा गया है। मोहम्मद गजनबी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के जमाने के भी यहाँ मुद्राएं संग्रहालय में रखी गई हैं। इसी तरह गुप्त काल की मुद्राओं का संग्रह भी यहाँ संग्रहालय में किया गया है, जहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र स्वर्ण मुद्राएं हैं। आजकल के दौर में जब लोग इतिहास और करेंसी को जानने की रुचि ले रहे हैं, इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय में आकर नज़दीक से इन सभी प्राचीन मुद्राओं का दीदार कर सकते हैं। आपको बता दें कि 1211 ईस्वी और उससे भी अधिक प्राचीन मुद्राएं यहां संग्रहालय में रखी हुई हैं। एक व्यवस्था बनी कॉइन्स की, करेंसी की, और धीरे धीरे साल दर साल जैसे जैसे आदमी डेवलप होता है।